जय श्री राधे। श्री ठाकुर जी की बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाओं में आज हम सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की एक सच्ची लीला का श्रवण करेंगे। ब्रज में बरसाना और नंदगांव ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं और इन दोनों में आपस में आज भी बहुत स्नेह प्रेम है। इन दोनों गांव में आज भी एक दूसरे से इतना स्नेह और प्रेम बना हुआ है कि बरसाने वाले नंदगांव को आज भी श्री किशोरी जी का ससुराल समझ करके वहां का पानी भी नहीं पीते हैं, क्योंकि बरसाने वाले राधा रानी को अपनी बेटी समझते हैं और किशोरी जी को बेटी मानने के कारण वो नंदगांव का पानी तक ग्रहण नहीं करते। नंदगांव की सीमा में जाने से पहले अपने यहाँ से पानी लेकर के जाते हैं और वहां जाकर के पानी नहीं पीते। बरसाने के बहुत से भक्तों का ऐसा भाव है, वो किशोरी जी को अपनी बेटी के समान समझते हैं। तो एक ऐसे ही बरसाना के बड़े परम भक्त हैं श्री किशोरी जी के, उनकी सच्ची घटना आज हम यहाँ पर सुनेंगे। बरसाना के एक भक्त थे जो राधा रानी को अपनी बेटी समझते थे, बेटी के समान उन्हें मानते थे। नित्य प्रति किशोरी जी के दर्शन करने जाना और नित्य प्रति बेटी की तरह उनको उनका गुणगान करना, उनको आशीर्वाद देना इत्यादि बरसाने के उन भक्त का नित्य प्रति का नियम था। श्री जी के मंदिर में जाकर के नित्य प्रति वो राधा रानी को मिलने के लिए जाया करते थे। नित्य प्रति अपनी पुत्री के समान श्री किशोरी जी के दर्शन करने के लिए जाते थे और राधा रानी को अपनी बेटी समझते। उनकी तीन बहुएं थीं। एक दिन उनके यहां पर एक मनिहारिनी चूड़ी पहनाने के लिए आई और जब वह चूड़ी पहनाने के लिए उनके घर पर पहुंची तो चूड़ियां पहना करके वो चली गई। वो सेठ जी जब लौट करके बरसाना मंदिर से अपने घर की ओर आ रहे थे तो उस मनिहारिनी ने कहा कि मैंने आपकी बहुओं को चूड़ियां पहनाई हैं, उनका मोल मैंने उनसे नहीं लिया, तो आप मुझे उनका मोल दे दीजिए। तो बोले हाँ बताओ कितने पैसे हुए। बोले मैंने चार को चूड़ी पहनाई है। बोले नहीं चार कैसे हो सकते, मेरे घर में तो तीन बहुएं हैं, चौथी को तुमने चूड़ी कैसे पहना दी, तुम झूठ बोल रही हो। जब मेरे घर में बहु तीन हैं तो चौथी तुमने किसी और को किसको चूड़ी पहना दी, तुम मुझसे झूठ बोल करके एक व्यक्ति के पैसा और लेना चाहती हो जबकि तुमने तीन को पहनाई है, चौथी किसको तुमने चूड़ियां पहना दी, मेरे यहां पर तो केवल तीन बहुएं हैं, चार तो है नहीं। तो वो मनिहारिनी कहने लगी नहीं नहीं मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मैंने जो चूड़ियां पहनाई हैं वो तीन को नहीं चार को पहनाई है। वहां पर तीन नहीं बल्कि चार थे जिनको मैंने चूड़ी पहनाई। बोले तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें एक व्यक्ति का जो अधिक पैसा तुम मांग रही हो वो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा, ये सरासर बेईमानी है। जब मेरे घर पर तीन बहू हैं तो चौथी किसको तुमने चूड़ियां पहना दी, चौथी किसे तुमने वो चूड़ियां पहना दी। और उस व्यक्ति ने उन सेठ जी ने बिल्कुल भी नहीं माना, उसको केवल अपनी तीन बहुओं के ही चूड़ी पहनाने का मोल दे करके वो अपने घर आ गए। तो जब वो अपने घर पर लौट करके आए तो आकर के रात्रि हो गई थी, भोजन किया और भोजन करके सो गए। रात्रि में स्वप्न में सर्वेश्वरी श्री राधा रानी आई और आकर के बोली बाबा बेटी बना ही लिया है बल्कि बेटी को पहनी हुई चूड़ियों का मोल देना तो भूल ही गए। मतलब वो मनिहारिनी झूठ नहीं बोल रही थी, उसने तीन को नहीं बल्कि चार को ही चूड़ियां पहनाई हैं, तीन आपकी बहुएं और चौथी मैं भी वहां पर थी उस समय और इस कारण वो आपसे चार लोगों की चूड़ी पहनाने का मोल उस मनिहारिनी ने मांगा था। आप सिर्फ मुझे बेटी कहते ही हो, आज मेरी समझ में आया कि आप मुझे बेटी मानते नहीं हो, अगर मानते तो उस मनिहारिनी को
मुझे चूड़ी पहनाने का मोल भी उसी प्रकार देकर के आते जैसे आपने अपनी तीन बहुओं की चूड़ी पहनाने का मोल अपना समझ करके दिया, आपने मुझे अपना नहीं समझा। तुरंत उस व्यक्ति की आंख खुल गई और पश्चाताप हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। और उसी समय वो वहां से गए और जाकर के उस मनिहारिणी के पास में पहुंच गए और बोले, तू धन्य है क्योंकि तूने तो उसको चूड़ियां पहनाई हैं जो साक्षात सर्वेश्वरी श्री राधा रानी है। और ये ले जो एक और चूड़ी का मोल रह गया था वो तुम उसका मोल मुझसे ले लो, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुमने तीन नहीं बल्कि मेरे घर की चार स्त्रियों को चूड़ियां पहनाई हैं। ऐसा भाव बरसाना और नंदगांव के गांव में आज भी वो स्नेह वो प्रेम बना हुआ है जो द्वापर युग में राधा और कृष्ण के समय पर बना हुआ था। आज भी नंदगांव वाले बरसाना और बरसाने वाले नंदगांव को इतना महत्व देते हैं जितना बरसाने में वृषभान जी और नंदगांव के नंदराय जी दिया करते थे। वही प्रेम वही स्नेह आज भी दोनों गांव के बीच झलकता है, जिसका साक्षात प्रमाण इस सच्ची घटना से हमें मिलता है कि बरसाने के लोग आज भी वहां पर लोग जो है बरसाने वाले अगर नंदगांव जाते हैं वहां का पानी नहीं पीते, क्योंकि बेटी के यहाँ पर पानी नहीं पिया जाता। ये मान करके कि किशोरी जी हमारी बेटी हैं और नंदगांव उनका ससुराल है, क्योंकि वहां के भगवान श्री कृष्ण थे इसलिए वो वहां जाकर के पानी नहीं पीते हैं। आज हमने सुनी एक ऐसे भक्त की सच्ची घटना, तो फिर हम एक नई सच्ची घटना और एक नए भक्त के चरित्र को लेकर के अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे।